गायद हमारे भाई लोग जितने भी कुवैत में आना चाहते हैं वो लोग के अंदर बहुत ही तरह का डर होता है कि हम कुवैत जा रहे हैं कहीं हमको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए और कहीं हम काम ना कर पाएँ। तो भाई सबके अंदर ये डर होता है कुवैत में जैसे हम एंट्री करते हैं कि हमारा जो घर रहेगा हमारी जो कंपनी रहेगी क्या हम वहाँ पे काम कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं कहीं हम मेडिकल में ना फेल हो जाएं और हम इंडिया मेडिकल में पास हैं और जब गैस यहाँ कुवैत में मेडिकल होएगा तो कहीं हम उसमें ना फेल हो जाएँ। बस आज की वीडियो में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं, बस आप लोग की वीडियो को अच्छे से देख लेना ताकि आपके अंदर जिस भी तरह का डर है जिस भी तरह की आपकी यानी कि कोई भी तरह का डर आपके अंदर रहेगा नहीं। मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू पूरी अच्छी से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, अच्छे से बताने वाला हूं। बस आप लोग की क्या काम करना है इस वीडियो को पूरा फुल देख लेना है ताकि आपको कोई भी आदमी कोई भी बंदा आपको यानी कि डरवा ना सके फ्रॉड किसी तरह का ना हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं गायद, अगर आप लोग देख सकते हो ये कोई सिटी है तो गायद अगर आप लोग कुवैत में आओगे तो आपको यहाँ का नज़ारा देखने को मिलेगा। और बहुत से भाई लोगों का सपना रहता है कि हमको कुवैत जाना है लेकिन वो लोग अपने डर की वजह से कुवैत नहीं आ पाते क्योंकि जब वो लोग जा रहे हैं कुवैत जैसे कि उनका वीज़ा आता है तो वो डर डर के पूरा काम करते हैं कि हमारे पीसीसी में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हम जब कुवैत जा रहे होंगे तो हमारा मेडिकल जो कहीं ना फेल ना हो जाए, हम जब जा रहे हैं एयरपोर्ट पे हमको पासपोर्ट में कहीं सिक्योरिटी ऑफिसर कुछ ना कर दे। भाई सब डर होते हैं यानी कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डर चलता रहता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप एक इंडिया के रहने वाले हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपने अंदर के डर को दूर करना होगा। प्लीज़ गाइस आप लोग डरो मत क्योंकि भाई सब जितने बंदे आते हैं सबके अंदर ये डर रहता है कि मेडिकल में फेल ना हो जाए, प्लीज़ ऐसा मत करना यार आप लोग। गाइस आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को एक वीडियो के थ्रू कुछ दिखा देता हूँ कोई सिटी का नज़ारा। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर जब हम लोग जाते हैं छुट्टी पे तो कोई सिटी जाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं कुवैत के पास में ही, तो हम लोग छुट्टी के दिन घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ वीडियो शूटिंग कर लेते हैं ताकि आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएं और ताकि हम आपको मोटिवेट करें कि जल्द से जल्द कुवैत में आप लोग आओ और यहाँ पे पैसा कमाओ। तो हमारे बहुत से भाई लोग का सपना रहता है कि कुवैत में चलते हैं पैसा कमाते हैं तो उन लोगों का वीज़ा निकल नहीं पाता यार, बहुत ही दुख की बात होती है और वो भी हमारी तरह होते हैं। तो जब भी हम लोग कुवैत आने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे अंदर से एक नर्वस फील होता है कि हम कुवैत में जाएंगे क्या काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हर बंदा ये सोचता है। जैसे कि जब आप लोग का वीज़ा निकल जाता है तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो लेकिन जब वीज़ा निकलने के बाद अब आप लोग तैयारी करने लगते हो कुवैत में आने के लिए तो आपके दिमाग में ये चलने लगता है कि यार हमारा काम कैसा रहेगा, हम वहाँ पे ड्यूटी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और इतना पैसा लगा के जा रहे हैं कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए और यहाँ पे मेडिकल होता है कुवैत में कहीं हमारा मेडिकल में अनफिट ना हो जाए, तो बहुत ही तरह के सवाल होते हैं। तो हमारे भाई लोग आप लोग यार टेंशन थोड़ा भी ना लीजिए, सब तरह के बंदे यहाँ पे काम करते हैं, सब बंदे का दिल इसी तरह घबराता है यानी कि दिमाग टेंशन में रहता है कि हम कुवैत जा रहे हैं, हम तो इंडिया में कैसे भी फिट हो गए हैं और हमारा मेडिकल भी कुवैत में होएगा कहीं ना उसमें हम अनफिट हो जाएं, पूरा पैसा रिटर्न हो जाता है यानी कि पूरा पैसा डूब जाता है। तो सबके अंदर से ये डर होता है। मैं भी जब यहाँ पे आया था कुवैत में तो मैंने भी मेडिकल करवाया था दिल्ली में, फिर उसके बाद जब कुवैत में मुझे मेडिकल हुआ तब भी मेरे अंदर से डर लग रहा था यार कहीं ना मैं मेडिकल फेल हो जाऊँ, मेरा फ्लाइट का पैसा डूब जाए, वीजा का पैसा डूब जाए। तो भाई सबके अंदर डर होता है लेकिन आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेडिकल अच्छा होता है, आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे आपको जॉब में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे आपका सब सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आप लोग घर में आओगे तो आपका जो कोटी रहेगा अरबी रहेगा आपको सपोर्ट बहुत ही ज्यादा करेगा, आपको ज्यादा काम नहीं देगा शुरू शुरू में। आप लोग अपने दिमाग से हटा दीजिए कि हम कुवैत में जा रहे हैं तो हमको हमारा जो कोटी है हमको सपोर्ट नहीं करेगा, बहुत ही कम मात्रा बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा है कि आपका कफील सपोर्ट नहीं करेगा, 99% आपको कोई चीज सपोर्ट करता है, आपको बोलेगा यानी कि थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी में बात करेगा। मुझे पता है कि सब लोग जितने भी लोग आते हैं हमारे इंडिया में जो न्यू फ्रेशर लोग होते हैं उन लोग को अरबी नहीं पता होती है और इंग्लिश पता होती है थोड़ा पता होती है, और जितने भी भाई हमारे आना चाहते हैं घर में काम करने के लिए और जो भाई पढ़े लिखे हैं उन लोगों को तो अरबी छोड़ो, इंग्लिश तो फराटा आती है एकदम बहुत ही तेज अरबी और इंग्लिश बोलते हैं, उन लोगों को यहाँ पे अरबी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे इंग्लिश और अरबी दोनों चलती है। अगर आप लोग कंपनी में आना चाहते हो तो इंग्लिश बोल सकते हो, यहाँ पे कंपनी में इंग्लिश चलती है और अरबी भी चलती है। अगर आपको अरबी भी आ रही है एक सिंपल सी लैंग्वेज सीख सकते हो, जो कि मुझे सिंपल सी अरबी आती है और इंग्लिश भी थोड़ा मोड़ा आती है, ज्यादा नहीं आती है लेकिन मुझे अरबी ज्यादा आती है इन कम्पेयर टू इंग्लिश में। तो भाई लोग आप लोग डरना नहीं यार क्योंकि हमारे भाई बहुत से डरते हैं कि हमारा पूरा पैसा डूब जाएगा और हम कुवैत नहीं जा पाएंगे। आप लोग कम से कम अपने अंदर से यार हिम्मत बांधिए, हिम्मत यानी कि हिम्मत जुटाइए कि हम कुवैत में जाएंगे काम कर पाएंगे, हमारा सब कुछ अच्छा होगा। अपने आप से सब सही बोलिए, अच्छी बात बोलिए, ये नहीं कि नेगेटिव बात बोलिए
तो पता चला आप लोग मेडिकल कराने जा रहे हो यहाँ का इंडिया में, तो वहां भी फेल हो जा रहे हो। बहुत से भाई लोग ऐसे होते हैं मेडिकल में हड़बड़ी कर देते हैं, हड़बड़ी यानी कि वो डरते रहते हैं अंदर से कहीं ना हमारा मेडिकल फेल हो जाए। अब जब कोई डॉक्टर आपको कुछ पूछेगा, कुछ जैसे मेडिकल में होता है ना, आप पढ़ाते हैं, आप आपको पढ़ाएंगे कुछ मीटर की दूरी पर, जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और डॉक्टर बैठा रहेगा, बोलेगा बेटा सामने क्या लिखा हुआ है, आप लोग के अंदर से एकदम नर्वस रहेगा कि भाई मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। जब आप लोग ऐसा बोलोगे ना निगेटिव में, तो आप सही में नहीं पढ़ पाओगे। आपसे डॉक्टर 3-4 सवाल पूछेगा, अगर आपने 3-4 सवाल का कोई भी आंसर नहीं दिया तो गारंटी है भाई आपको पक्का फेल कर देगा, क्योंकि आप डरे हुए होते हो और वो बंदा डरा हुआ होता है। क्योंकि अगर आप लोग डरे हुए नहीं होते हो ना, आप फटाफट सवाल का जवाब देते हो और आप लोग मेडिकल में ब्लड में सब कुछ पास हो जाते हो, आपको क्या पता कि भाई मेडिकल में हम फेल हो जाए। जैसे कि आपने अंदर जो बोलोगे ना डर है, आपके अंदर सही डर हो जाएगा, यानी कि मेडिकल फेल हो जाओगी। तो मुझे बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग का जब वीजा आए, आप लोग को डरना नहीं है भाई, क्योंकि क्या वीजा आने के बाद कम क्या कोई नहीं आ पाएंगे। मान लेते हैं आप लोग डरे हुए नहीं हो, एकदम सही हो, फिट फट हो, आपका वीजा आएगा, मेडिकल में फिट हो जाओगे। कुछ भी नहीं यार, कुछ बहुत ईजी होता है, आपको मेडिकल में आसानी से पास कर देंगे। यहाँ जब कोर्ट में आओगे आपको भी आसानी से पास कर देंगे। फिर आप लोग यहाँ पे जॉब कीजिए, यहाँ पे जो शेड्यूल होता है सुबह उठना रहता है, चाहे कंपनी में काम करो, चाहे आप लोग कहीं दूसरी जगह काम करो, चाहे घर में, चाहे मजरा में, किसी भी जगह काम करो, आपको सुबह ड्यूटी रहती है, फिर शाम को या 7 बजे रात तक 8 बजे रात तक आपकी ड्यूटी फिनिश हो जाती है नॉर्मल तौर पर। बस आपको यहाँ पे सैलरी दे देते हैं 30 तारीख को, जो सैलरी आपकी बनती है, जो भी आपकी सैलरी होती है, काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी है। तो आप लोग को यार थोड़ा भी डरना नहीं है। क्यों आप लोग डरते हो यार? मुझे भाई लोग मेरे चैनल पर कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं, भाई अगर हम मेडिकल में फेल हो गए तो क्या होगा। मान लेते हैं आप फेल हो गए तो क्या होगा, कोई तो नहीं आ पाओगे, तो फिर दोबारा ट्राई कीजिए, उसमें क्या जाता है। और ऐसा सा सवाल पूछते हैं भाई कमेंट का आंसर देखकर, मुझे अंदर से यार थोड़ा यानी कि उनके हिसाब से मैं फील करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता नहीं है। आप लोग भाई क्यों डरते हो? सब भाई डरते हैं, जितने भाई लोग आए हैं या हम आए हैं, मैं आया, मैं भी डरता था भाई अगर मैं मेडिकल में फेल हो गया तो क्या होगा, हो सकता है मुझे अब दोबारा कोई वीजा नहीं मिलेगा 6 महीना तक। ऐसा नहीं है भाई, आपका जब मेडिकल फेल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जाइए, किस वजह से फेल हुआ उसकी अच्छे से जो कि वेरीफाई कीजिए, अच्छे से उसकी जांच कीजिए कि हम क्यों फेल हुए, उसका रीजन क्या था। मान लेते हैं मेरे ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है और मैं फेल हो गया हूँ, और उसका एग्जैक्ट पता कीजिए कि अच्छा प्रॉब्लम है कि नहीं है। आप लोग फिर दोबारा जांच कराइए, आप तो नहीं आ सकते हो 1-2 महीने के लिए, लेकिन फिर अच्छे जांच कराइए और डॉक्टर की सलाह से एक अच्छा ट्रीटमेंट कीजिए और ट्रीटमेंट करवाइए अपना, तो बाद में इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाओगे। और उसमें कुछ नहीं करना है भाई, कुवैत में तो आना भाई, कोई जंगों में नहीं जीतना है। आप लोग ऐसा सोचते हो कि कुवैत में जाने के लिए जंग को जीतना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पीसीसी करवाना होता है, मेडिकल करवाना होता है, फिर यहाँ पे आपको एक बार मेडिकल होता है, बस सिंपल सा तरीका है। बाद में फ्लाइट वगैरह हो जाती है आपकी, यहाँ पे आकर काम करते हो। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना यार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल। अगर गाइस आप लोग के मन में कुछ भी डाउट है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो कि मेरा इंस्टाग्राम है, उसकी आईडी आपको अबाउट सेक्शन में मिल सकती है और आप लोग जाके देख सकते हो, हो सके डिस्क्रिप्शन में हो, मैं कहीं कहीं मैं कभी डिस्क्रिप्शन अपनी हटा देता हूँ जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो चलिए मिलते हैं कल।